अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी परफेक्ट पूरी की रेसिपी। कितने लोगों का मसला होता है कि जो उनकी पूरी होती है वो फूलती नहीं है, परफेक्ट नहीं बनती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी परफेक्ट पूरी किस तरह से बनाई जाती है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, आप भी मेरे स्टेप्स जो है वो अच्छी तरह से फॉलो करें, फिर आपकी भी जो पूरी है वो भी एकदम परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए पूरी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 बाउल आटा लिया है, गेहूं का आटा, घी, सॉल्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कर्ड, दही ले लेंगे, 1 कप वाटर लेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही डालेंगे, और 1 कप मैदा। सबसे पहले बाउल में हम आटा ऐड कर देंगे, फिर मैदा ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, घी ऐड करेंगे, अभी हम इसके अंदर कर्ड भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे, फिर जो हमारा आटा है वो गीला हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हमें पूरी का भी गूंथना है। तो अभी जो हमारा डो है वो बनके रेडी हो गया है। अभी हम उसके ऊपर से उसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसको ढक के रख देंगे। तो अभी 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी हम उसको इस तरह से शेप दे देंगे। अभी हम ऑयल को गर्म होने के लिए पहले से रख देंगे। अभी हम हमारी पूरी को बेलना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैं बेल रही हूँ आपने भी उसी तरह से बेलना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटी भी नहीं करेंगे, जिस तरह से एक छोटी पूरी का साइज होती है उसी तरह से रखेंगे। तो अभी जो है हमारी पूरी बेल के हो गई है। अभी जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, अभी हम हमारे ऑयल को मीडियम कर देंगे और पूरी जो है हम उसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। पूरी को हम थोड़ा प्रेस करके फ्राई करेंगे, इससे वो और ज़्यादा अच्छे से फूलती है। जिस तरह से मैंने ऑयल को पहले ही गर्म कर दिया था, आप भी उसी तरह से करना। और देख सकते हो आप हमारी पूरी कितनी जल्दी जल्दी फूल रही है। सो या गाइस, अभी जो हमारी पूरी है वो एकदम बन के रेडी हो गई है, जिस तरह से मैंने स्टेप्स बताया था। आप भी मेरे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ही यम्मी बनी थी पूरी और कितनी जल्दी जल्दी फूल रही थी, आपने तो वीडियो में देखा ही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपकी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। Subscribe to my YouTube channel, friends, and press the bell icon. Thank you for watching. Allah Hafiz.